फ्रेंड्स, ये जो फ़ोन होता है, ये डेवलपर सेटिंग होता है, इसको किस तरीके से बंद करते हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। मेरे पास नोकिया का फ़ोन है। नोकिया के फ़ोन में डेवलपर मोड को किस तरीके से बंद कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू से जानते हैं। सबसे पहले नोकिया के फ़ोन का सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करते ही आपको सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाते ही एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाते ही आपको इस तरीके का ऑप्शंस दिखेगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ से ऑफ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप डेवलपर मोड को आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं नोकिया के फ़ोन में, ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आप बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इस साइड में लाइक का बटन हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।